नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ चावल के पापड़। चावल के पापड़ आज हम बिना चावल को पकाए और बिना धूप के बनाएंगे, और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी। ये पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं, 200 ग्राम लगभग, और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक। चावलों को हम धोकर भिगो देंगे 6-7 घंटे के लिए, या पूरी रात भी आप इन्हें भिगो कर रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने चावलों को धो लिया है, भिगो भी लिया है 6-7 घंटे के लिए, और अब मैं इन्हें पीसना है। हम जार में डाल लेंगे इन्हें। एक्स्ट्रा पानी जो था वो मैंने इनका निकाल दिया है, और पहले हम बिना पानी डाले ही ऐसे ही पीस लेंगे इन्हें, जिस तरह हम डोसे के चावल पीसते हैं। और ये देखिए अभी हमारा पेस्ट गाढ़ा है, तो मैं आधा कप पानी इसमें लगभग डाल लूँगी, और आधा कप से भी कम, 2 बड़े चम्मच पानी मैं इसमें डाल लूँगी, और मैं इसे फिर से पीस लूँगी। और ये देखिए अब हमारा पेस्ट बिल्कुल सही बन गया है। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बनाना है, इसमें हमें चावल के टुकड़े नहीं चाहिए। आप इसे ठीक से पीसेंगे तो चावल के टुकड़े इसमें नहीं रहेंगे। और ये देखिए इतना पतला है, ये चम्मच से डालने पर इस तरह गिर रहा है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसमें जो हमारा ये नमक है, नमक, जीरा, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स या काली मिर्च भी मिला सकते हैं, या और कुछ मिलाना चाहें, पुदीना, धनिया या करी पत्ता तो भी मिला सकते हैं। थोड़ा बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा डाल लें, उससे चावल फोके बनेंगे। और मैं कढ़ाई में पानी डाल लूँगी, आप चाहे तो इडली स्टैंड ले सकती हैं या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप स्टीम दे सकें पापड़ों को। और कढ़ाई में इस तरह से पानी रख लेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट या जाली रख लेंगे जिससे हमारी ये ना हिले, और इस तरह से भी हम बना सकते हैं। आपके पास इडली वाली बनाने की कढ़ाई हो, जो आजकल मल्टीपर्पज़ कढ़ाई चल रही है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं, वरना इस तरह से एक छलनी जो सभी घरों में होती है, इसे रख लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख के रख लेंगे। ये देखिए ढक्कन लिया है मैंने, जो प्लास्टिक के डिब्बे हमारे घर में होते हैं या टिफिन बॉक्स का है, किसी भी साइज़ के आप ले सकते हैं, जो भी आप घर में हो, कटोरी हो या कोई इस तरह की छोटी प्लेट हो वो आप ले लीजिएगा। और ये देखिए मेरा बेटर इस तरह से है, ये ना बहुत पतला है ना बहुत ही गाढ़ा, जिस तरह से इडली डोसा बनाते हैं उसी तरह का बेटर है हमारा। और ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल के भाप बना ली है, और कढ़ाई हमारी तैयार है, अब हम पापड़ बनाएंगे। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके ब्लैक कर दीजिएगा, और नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा करके ब्लू कर दीजिएगा। हम सब 2-2 चम्मच बैटर ही इसमें डालेंगे, वरना हमारा पापड़ मोटा हो जाएगा। अगर हो सके तो आपके घर में जितने भी ढक्कन हो आप सबको इकट्ठा कर लीजिएगा और सबको एक साथ भर लीजिएगा, उससे आपके पापड़ जो है जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ 1-1 मिनट भी नहीं लगता है बनने में। आप निकालते रहिएगा और बनाते रहिएगा, अगर आप किसी की हेल्प मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, आप बनाइएगा और दूसरा आदमी उन्हें फैला देगा। बहुत जल्दी ये पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं, जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, जो दिन में देखभाल नहीं कर सकते अपने पापड़ की, वो रात को बना के फैन में छोड़ सकते हैं, उनके पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैं सभी ढक्कनों को भर लेती हूँ, ये मेरी प्लेट बड़ी है तो ये एक ही आया है इसमें, और जो ढक्कन छोटे हैं वो मैं 3-3, 4-4 भी रख लूँगी। ये देखिएगा, अब देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ कितनी जल्दी ये पापड़ हमारा निकल जाता है। ये देखिएगा, और ऑयल हमें सिर्फ एक ही बार लगाना है, ये नहीं कि हमें बीच में बार बार ऑयल लगाना है, एक बार ऑयल लगाएंगे तो लास्ट तक हमारे पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। जिस प्लेट में हमें रखने हैं उसमें भी हम ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके ना, या फिर आपके पास कोई प्लास्टिक शीट हो या पन्नी हो तो उस पर आप रखते जाइएगा, ये चिपकेंगे नहीं। ये देखिएगा ये बन जाते हैं, और प्लास्टिक के ढक्कन में तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, अगर आपके पास प्लास्टिक वाले ढक्कन हो तो आप इन्हीं को ज़्यादा रखिएगा, इनमें बिल्कुल भी आपको कुछ ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक तक देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे बन के तैयार हो गए, ना ये टूटेंगे ना ये फटेंगे। और इसी तरह से मैं अपने सभी पापड़ों को बना लूँगी, और ये देखिए मैंने सभी पापड़ बना लिए हैं, और ये 2 दिन बाद फैन में सूख करके इस तरह के हो गए हैं। अगर आप ज़्यादा दिन भी सुखाना चाहें तो सुखा के रख सकते हैं अच्छी तरह, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे आपके ये, और धूप हो तो आप धूप में रख दीजिएगा, जरूरी नहीं पंखे में रखने हो, लेकिन अगर धूप ना हो तो आप इन्हें फैन में भी सुखा सकते हैं। और ये देखिए
मैंने आपको भून करके दिखाती हूँ ये कितने अच्छे पापड़ मेरे भून करके तैयार होंगे। कि देखिए कितना बड़ा पापड़ हो गया है, क्योंकि अच्छी तरह से सूख गया था। आप इन्हें स्टोर कर लें और कई साल तक भी आप इन्हें रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बों में रख लीजिएगा किसी बड़े में। ये देखिएगा कितना अच्छा पापड़ मेरा बन करके तैयार हुआ है, और देखिएगा ये भुनने से पहले कितने छोटे साइज का है और भुनने के बाद कितना बड़ा हो गया है, ये लगभग ट्रिपल हो गया है। ये देखिएगा मैं इसे भी भून के दिखाती हूँ आपको, और देखिए ये पापड़ पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा बन गया है भुनने के बाद। तो देखिए है ना पापड़ बनाना कितना आसान, बिना किसी झंझट के। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं इसी तरह तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ देखने के लिए। थैंक यू।